सो गाइस, तो कुछ इस टाइप के रील्स वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में अपने फोटो को जो है रिप्लेस करके एडिट करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा। स्किप स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, और साइड में बेल का भी आइकन आता है तो बेल के आइकन को क्लिक करना, ऊपर में आल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को क्लिक कर लेना। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहां पर सभी के मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, तो यहां पर फाइल मैनेजर ओपन कर लेना और उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड फाइल में जो है प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट को खोज लेता हूँ, इसी में जो है डाउनलोड हुआ था। तो ये रहा, मिल गया मेरे को आरटी वर्ल्ड वीएन प्रोजेक्ट लिखा है, इसे जो है क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर देख रहे होगे। अब नीचे में यहाँ पर शेयर का आइकन दिखाई दे रहा है, शेयर भी लिखा है, तो शेयर को क्लिक कर दूंगा। तो शेयर को क्लिक करना और एडिट विथ वीएन लिखा है, तो एडिट विथ वीएन नहीं भी लिखा होगा तो वीएन का लोगो बना होगा या तो फिर वीएन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वीएन को क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक जो है वीएन में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये वीएन में शेयर हो गया है। नीचे में ओपन प्रोजेक्ट लिखा है, तो ओपन प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना। ओपन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर आ गया होगा, उसे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर दिख रहा होगा। सो गाइस, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में सभी जो है वीडियो में है, फोटो नहीं है, तो वीडियो है, तो वीडियो में जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए अपने फोटो को जो है वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसे मैं बैक कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, प्रोजेक्ट को जो है पूरा बैक कर दूंगा। तो यहाँ पर एरो के आइकन को क्लिक करके बैक कर दिया। फिर से जो है प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, प्लस के आइकन को क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना और अपने फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना। तो एक ही फोटो का यूज करना है, तो अपने फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले मॉडल का पिक को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे जो है सिलेक्ट कर लिया। नीचे में एरो का आइकन दिखाई दे रहा होगा, एरो का आइकन को क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया। सो गाइज, अपना फोटो जो है ऐड हो गया यहाँ पर। इसे जो है फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो ऊपर में ओरिजिनल लिखा है, उसे क्लिक करना और 916 वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। सो गाइज, यहाँ पर अपने फोटो को कुछ इस टाइप से इधर उधर करना चाहते हो तो अपने फोटो को क्लिक करना और कुछ इस टाइप से इधर उधर अच्छे से सेट कर लेना। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद वीडियो के लास्ट में जाना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक पेज बना होगा, उसे क्लिक करना और डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके डिलीट कर देना। तो इसे जो है कुछ इस टाइप से चार सेकेंड तक कर लेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा सेकेंड हो गया है, तो यहाँ पर जो है 4.7 ऐसे रख लेना है, 4.7 रख लेंगे कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पर इसे जो है कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ऊपर में एक्सपोर्ट लिखा है, इस एक्सपोर्ट को क्लिक कर देंगे, राइट के आइकन को भी क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड में जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। सो गाइस, तो ये जो है एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर देख रहे होगे। अब यहाँ पर इसे जो है पूरा बैक कर देना है, तो यहाँ पर इसे पूरा बैक कर देंगे, तो यहाँ पर इसे बैक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जो प्रोजेक्ट मैं दिया हूँ उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट है, इसे जो है ओपन कर देना कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जितना भी दिख रहा होगा ये वाला नीचे में, सबको जो है रिप्लेस कर देना है अभी जो एक्सपोर्ट किए थे वो वाले वीडियो में। तो ऐसे क्लिक करना बारी बारी से, तो ये वाले को ऐसे क्लिक करेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रिप्लेस लिखा होता है, उसे क्लिक कर देना। और यहाँ पर जो है अभी जो एक्सपोर्ट किए थे ये वाला वीडियो है, इसे जो है सिलेक्ट कर लिया। ऊपर में डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डन को क्लिक करके इसे जो है डन कर देना। सो गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेना, प्रोसेसिंग वगैरह में थोड़ा सा लेट लगता है, क्योंकि वीडियो है, फोटो रहता है तो लेट नहीं लगता। तो हो गया, ये देख रहे होगे, तुरंत ही हो जाता है वैसे तो। अब यहाँ पर दूसरे वीडियो के पास जाएंगे कुछ इस टाइप से, और इसे भी सिलेक्ट करेंगे कुछ टाइप से, और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे भी क्लिक करेंगे और फिर से यही वाले वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना है और डन कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर में देख रहे होगे, यहाँ पर लेयर वाला वीडियो है, इस वीडियो को भी ऐसे क्लिक करना और फर्स्ट नंबर पर ही आ जाता है रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करना, और यहाँ पर वीडियो फोटो का ऑप्शन आ गया होगा, वीडियो को क्लिक करना और यहाँ पर जो है अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना कुछ इस टाइप से। फिर से यहाँ पर आगे बढ़ना कुछ इस टाइप से, ऐसे स्क्रॉल करना। सो गाइज, आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो है छोटा छोटा बहुत सारा वीडियो है, इस वीडियो सभी वीडियो में जो है रिप्लेस कर देना है अपने वीडियो को। तो बारी बारी से ऐसे क्लिक करना, इसके बाद रिप्लेस का बटन आएगा, उसे क्लिक करना, फिर से जो है अपने वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना कुछ इस टाइप से, रिप्लेस कर देना, फिर से जो है बारी बारी से ऐसे क्लिक करना।
तो सभी में कर लेना है गाइस। तो मैं जो है वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जान तो गए हो कि क्या करना है, सिरपुर सिर्फ रिप्लेस करना है। तो कुछ इस टाइप से सिरपुर सिर्फ रिप्लेस कर देना, इफेक्ट वगैरह पहले से जो है सेट मिलेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिरपुर सिर्फ रिप्लेस करना है। तो कुछ इस टाइप से कर लेना है। एक्सपोर्ट करना है तो ऊपर में एक्सपोर्ट लिखा है, उसे क्लिक कर देना, राइट के आइकन को क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है एक लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 100 के बिल्कुल नज़दीक है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।